नमस्ते, आज हम ग्राउंडनट शेलिंग मशीन के बारे में रिव्यू देने वाले। जब हम देखते थे कि पहला हाथ से मूंगफली फोड़ते थे उसको बहुत टाइम लगता था और हाथ को दर्द भी होता था। एक दो तीन केजी फोड़ने के लिए हमको आधा घंटा तो मिनिमम लग जाता था। उससे अच्छा है कि ऐसा एक छोटा मशीन हम घर में रखे तो हमारा टाइम भी बच जाता है और काम बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है। जब हम इस मशीन के बारे में बताते हैं तो मशीन बहुत ही छोटा है, कॉम्पैक्ट है, घर में किधर भी आप रख सकते हैं। इसका वेट भी कम से कम 7-8 kg आप आराम से उठा सकते हैं, किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसका हाइट देखेंगे तो भी 1.5 feet हाइट है, विड्थ 2 feet है और इसका लेंथ 8 to 9 inch है। तो आसानी से हम इधर किधर भी हम घर में इसको फिट कर सकते हैं। इसका वर्किंग देखना है तो इसको एक हैंडल दिया है, इसके हैंडल से हम मूवमेंट करते हैं। इधर जब हैंडल मूवमेंट होता है अंदर एक प्लेट है, वो प्लेट ऐसा मूवमेंट होता है और वो ग्राउंडनट को क्रश करता है और उसका शेल रिमूव होता है और इस जाली में से वो ग्राउंडनट हमारा मूंगफली नीचे शेंगदाना नीचे गिरता है। और इसका जब हम इधर देखेंगे इधर हम आपको देखते हैं, देख सकते हैं कि इधर एक प्लेट है, ये प्लेट को इधर एडजस्टमेंट दिया है। जब इधर हमारा छोटा ग्राउंडनट है तो इसका प्लेट का साइज थोड़ा कम करने का है और हम थोड़ा बड़ा रहे तो भी ये हमको थोड़ा ऊपर करने के लिए इधर एडजस्टमेंट आता है। ये हमारे हिसाब से हमारा कैसा मूंगफली है उसके हिसाब से हमें एडजस्ट कर सकते हैं। इसका और एक ड्रॉबैक है कि बहुत लोग बोलते हैं कि इसको करने के बाद शेंगदाने का डाल हो जाता है, तो उसके लिए बचने के लिए भी एक उपाय है। आज रात को हम थोड़ा एक जगह हमारा ग्राउंडनट रख के उसके ऊपर थोड़ा हल्का सा पानी डाल के, मतलब वो मॉइस्चर कंटेंट उसमें थोड़ा आया, थोड़ा पानी डाल के हम रख सकते हैं और सुबह उठ के उसको इसमें से कर सकते हैं। उसका बहुत ही मतलब डाल होने का चांसेस बहुत है, उस टाइम हम कर सकते हैं, लेकिन वैसा ही हम डायरेक्ट किया तो भी चलेगा। हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखाएंगे कि डायरेक्ट किया तो भी उसमें बहुत डाल नहीं होगी, ये हमारा एक्सपीरियंस है, हम अभी कर रहे हैं। जब इस मशीन से हम अराउंड 10 to 15 kg का एक ग्राउंडनट इसमें से एक 10 मिनट में क्रश कर सकते हैं, मतलब एक 50 kg का राउंड फिगर लिया तो एक 50 kg का ग्राउंडनट एक 20 kg में हमका क्रश करके ख़त्म हो जाएगा। मतलब इसका प्रोसेस बहुत ही फास्ट है और अभी हम प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे कि ये कैसा काम करता है। आप इधर देख सकते हैं इसका थोड़ा साइज बड़ा है, इसलिए हम थोड़ा इसका ऊपर ही सेटिंग रखे हैं। आप चाहिए तो आपको ज्यादा का सेटिंग आप रख सकते हैं। इसमें 3-4 kg आप आराम से एक टाइम में ही बस डाल सकते हो। इसके बैठने के लिए इधर बैठने के लिए एक स्टैंड है, रॉड है, सो दैट आप इधर पैर इधर और इधर ऐसा पैर रख के बैठ सकते हो और इसके हिसाब से मशीन हिलता नहीं है। तो हम ये बेस्ट ये पोजीशन बहुत ही अच्छा है, मशीन हिलने के लिए नहीं देंगे ऐसा और हमको करने के लिए भी बहुत आसान रहता है। खाली शेंगा पटलना है।
आप देख सकते हैं कि एक मिनट भी नहीं हुआ अभी, और इसमें से 3-4 kg का मूंगफली हम क्रश करके भी छोड़ दिए। इधर इसमें ऐसा ऐसा क्रश होके नीचे आता है, और इसको हमको एक फैन लगा के उसका उस हवा से अभी इसमें से ग्राउंडनट और उसका शेल सेपरेट करके वही भी हमें प्रैक्टिकल दिखाएंगे। ठीक है, ओके। इधर हम देखेंगे फैन लगाया है, इसका हवा थोड़ा कम है। जब हम नेचुरल एयर और थोड़ा बड़ा फैन रहेगा, थोड़ा हवा उसका हवा तेज रहती है तो सेपरेशन बहुत ही अच्छा होता है। इधर थोड़ा आपको सेपरेशन कम दिखने को मिलेगा, लेकिन जब आपके पास थोड़ा तेज हवा रहती है उस टाइम किया तो बहुत ही अच्छा होता है। आप इधर देख सकते हो हवा थोड़ा तेज नहीं है, इसलिए इधर इधर ही पास में ही ये पड़ा हुआ है। इसमें थोड़ा थोड़ा अभी ग्राउंड है, इतना ही सेपरेशन हुआ है। जब हवा हमारी तेज होगी तो ये सेपरेशन अच्छा होगा। आप इधर में देख सकते हो कि भी देख सकते हो कि इसमें टूटा हुआ शेंगदाना भी बहुत कम है, सब राउंड राउंड है। जब हम आप लोग इसका सेटिंग उसके मशीन में अच्छे से तरह से लगाएंगे देख के, तो इसका 99% अच्छा आएगा। 1-2% थोड़ा ब्रेक हो जाएगा, तो उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इधर 99% अभी इधर इसमें से सब ओके, थोड़ा एक दो परसेंट उसका ऐसा कट होता है, लेकिन आप उसका सेटिंग अच्छे से लगाएंगे तो वो इजी से हो जाएगा।